नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। बालाघाट की बारा सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में एसडीएम संदीप सिंह के प्रशासक बनते ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। एसडीएम संदीप सिंह ने जेसीबी के माध्यम से गोलीबारी चौक से इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान नगर पालिका क्षेत्र में कई प्रमुख मार्गों पर चलाया गया। गोलीबारी चौक से अंबेडकर चौक तक जेसीबी मशीन के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमणकारियों पर हुई इस कार्रवाई के बाद सड़कें चौड़ी नजर आ रही हैं। आपको समय देना पड़ेगा, कोई समय नहीं दे रहा। आपको समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा आपको। आप भी अभी कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं करी। मैं पिछले 5 से 6 दिन से लगातार लगा, आज जैसे बात समझ में नहीं आ रहा है। अभी कहाँ सोच आपने, नहीं आपने जो कभी पार्किंग की उसके हिसाब से शहर देख लीजिए आप क्या स्थिति में। बिल्कुल कम से कम 80% लोगों ने खोल ली है। अब रही बात 20% लोग, किसी को लेबर नहीं मिला, किसी को मिस्त्री नहीं मिला। अगर मानते हैं एक कोई दिक्कत, आज का ही समय है। मैं एक दो दुकान खोल दूंगा, ज़्यादातर दुकानों ने खोल लिया है। हाँ, एक दो दुकान तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आज शाम तक कर दूंगा कम्प्लीट। आज आप एक नहीं, आज नहीं, शाम तक। मैं शाम तक ही काम चलेगा, शाम तक अपना लेबर व्यवस्था करके। आपके पास सब अधिकार सुरक्षित है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा मानना है कि एक दिन में समय देना चाहिए। समय मैं पिछले 5-6 दिन से दे रहा हूँ यार, सब जान रहे हैं, सबको मालूम है। एक दिन और दे दीजिए। नहीं, एक दिन होने ऐसा नहीं बोल रहे हैं। और पूरा शहर नहीं, आप देखो पूरे दुकानदार शहर खोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो किस दुकान में समस्या है ये बताओ, एक बार समय दे दुकान की समस्या है। पत्थर निकालना, कुछ निकालना आपने बताया। आपको शाम तक का समय दे देता हूँ मैं, शाम को 4 बजे तक का निकलवा लो पत्थर। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 11। आपके पास 6 घंटे, 6 घंटे में निकलवा लो, आगे बढ़ो। पिछले दिनों से हम एक ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पार्किंग के संबंध में जो हम काम कर रहे थे पिछले 6 दिन से, कि दुकानें काफ़ी ज़्यादा आगे आ गई थी, जिस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में हमको ये देखना था कि जाम की स्थिति निर्मित ना हो। तो इसी संबंध में हमने पार्किंग चौड़ी करने के लिए रोड चौड़ीकरण का हमने काम शुरू किया है, जिसमें 25 फीट लेफ्ट और 25 फीट राइट, 50 फीट की पूरी रोड हम लेके चल रहे हैं। तो जो जो दुकानों के सीढ़ी वगैरह या दुकानों ने कुछ निर्माण आगे आगे बढ़ा रखे हैं, तो उतना उतना हम लोगों ने आज क्लियर करवाया जेसीबी लगा के। सर, शहर में और भी जगह अतिक्रमण है? हाँ, अभी क्या है, मेन रोड ये थी, इस पर ज़्यादा ही ट्रैफिक का प्रेशर रहता है, इस वजह से हम लोगों ने इस पर पहले कंसंट्रेट किया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट रोड, उसके बाद नेक्स्ट रोड, बाकी रोडों में भी हम यही काम करेंगे कि अगर वहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं है, जाम की स्थिति लग रही है और रोड हमारे पास जगह है और जगह के ऊपर अगर अतिक्रमण है किसी प्रकार का, तो फिर हम रोड ओपन करने की कार्रवाई करेंगे। सर, कार्रवाई करने से पहले के दुकानदारों को इसकी जानकारी दी गई थी? जानकारी उनको 6 दिन से ही है। मैं मौके पे जाके घूम भी रहा हूँ, उनका सामान अंदर भी रखवा रहा हूँ, मुनादी भी करा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। कल जब मैंने निशान लगवाया तब मैं खुद जाके निशान लगवाया, तो उनको जानकारी 6 दिन से। सर, देखने में आ रहा है कि लगभग रोड से 30 से 40 फीट अंदर जाता है, उसके बावजूद भी लगभग 25-30 फीट की तोड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? 25 फीट हमने इसलिए लिया है क्योंकि 50 फीट की रोड जो है उससे हमारी पार्किंग व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगी और हमारा जो यातायात जो जाम लगता है वो निर्मित नहीं होगा जाम की, इसलिए हमने अभी 50 फीट का लिया है। भविष्य में अगर हमको रोड निर्माण का अगर काम आता है यहाँ पे रोड चौड़ीकरण करने का, तो जो 80 फीट की रोड हमारे पास सेंक्शन है, फिर उस जमीन को हम लेंगे 80 फीट और फिर वहाँ पर रोड निर्माण करेंगे।